दो दफ़ा तो ये जो है ना टेंट टूट चुका है और आवाम ने हल्ला बोल दिया, दो चार पैकेट उठा के लेके जा चुकी है आवाम, और इसके अलावा जो है ना हमें नहीं नज़र आ रहा है। काफ़ी हालात ख़राब होने का खदशा है और लोगों ने हमला कर दिया है और कैंप को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं। कैंप के अंदर तो इतना सामान है कि समझ लेंगे तो 2-4 बंदे लेके जाएंगे, बाकी तो सारे फालतू खड़े हैं। सामान इतना ज़्यादा नहीं है अंदर, जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करी हुई है उन्होंने, जिस तरह से ये दे रहे हैं, जिस रेट पर दे रहे हैं उस रेट पर फल तो देखें आप क्या है, कीड़े लगे हुए हैं माल में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। अभी मौजूद हूं मैं हसन स्क्वायर सिविक सेंटर के बिल्कुल सामने और यहां पे मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है जिसमें सस्ती अशिया मिल रही है, जैसे कि सब्ज़ी यहाँ पे 10 रुपये का एक किलो मिल रहा है, उसके अलावा फ्रूट भी यहाँ पे 10 रुपये का एक किलो मिल रहा है, 5 रुपये की एक रोटी यहाँ पे दी जा रही है, और इसके अलावा चिकन की अगर हम बात करें तो 100 रुपये का एक किलो यहाँ पे चिकन का गोश्त दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों को इस व्लॉग में बताऊंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे साथ रहें ताकि आप दोस्तों को यहाँ की तमाम चीज़ें दिखा सकें और तमाम चीज़ें बता सकें। तो आइए फिर आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। जनाब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को बता दें कि आप कौन सी जगह पे मौजूद हैं, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो किस तरह पहुँच सकता है? ये हम लोग मेन नेशनल स्कोर का ब्रेंच है, इसके नीचे सिविक सेंटर के बिल्कुल सामने हम लोग का ये हमाद फाउंडेशन का यहाँ कैंप लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे 5 रुपये की रोटी दी जा रही है, 10 रुपये की सब्जियाँ दी जा रही हैं, चिकन यहाँ पे 100 रुपये की दी जा रही है, तो इस हवाले से आप जो है कन्फर्म कीजिएगा, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अभी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 10 रुपये किलो हम सब्ज़ी दे रहे हैं, 10 रुपये किलो हम फ्रूट दे रहे हैं, 5 रुपये की रोटी दस्तियाब है यहाँ पे गर्मा गर्म, और इसके अलावा 100 रुपये किलो हम चिकन भी दे रहे हैं। तो ये जो है कब तक आप सिलसिला जारी रखेंगे? इंशाल्लाह हम लोग की तो कोशिश ये है पूरे 30 रमज़ान तक हम लोग का यहाँ कैंप लगा रहेगा इंशाल्लाह। यानी कि आपका ये इरादा है कि पूरे 30 दिन यानी कि रमज़ान जब तक हैं जब तक आप ये सिलसिला जारी रखेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे कल पहला रोज़ा था, कल से हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह 30 रोज़े तक हम लोग का ये कैंप यहाँ लगा रहेगा और इसी तरीके से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि अभी जो स्टॉक है उसके बारे में क्या है मामला, यानी कि यहाँ पर रश तो अच्छा खासा है, अभी हम अंदर मौजूद हैं लेकिन बाहर जो है रश अच्छा खासा है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद आप इन चीज़ों को बढ़ाएंगे या क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आएँ, इंशाल्लाह आगे हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग अपनी स्टॉक को बढ़ाएं। लेकिन 10 रुपये किलो हम सब्ज़ी दे रहे हैं जिसमें 2 बैंगन हैं और 1 लौकी है, 2 तुरई है और इसी तरीके से 2 टमाटर और 2 आलू हैं। 10 रुपये किलो ये सब्ज़ी का हम चौपर दे रहे हैं आपको। 1 किलो फ्रूट है, 1 खरबूजा, 2 सेब, 1 चीकू है। ये कितने का है? ये भी 10 रुपये किलो दे रहे हैं हम। यहाँ पे चिकन भी आपको 100 रुपये का मिलने वाला है, ये जो पैक है ये 1 किलो का है और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। रोटी कितने की दी जा रही है? 5 रुपये की रोटी। 5 रुपये की जी। साथ में आपको रोटी भी दिखा देते हैं कि किस तरह की रोटियाँ हैं, ये देख सकते हैं नाजरीन। दिखा रहे हैं, मिलेगी कब ये तो इनको पता। 5 रोटियाँ जो एक फैमिली को यहाँ पे दी जाएंगी और यहाँ पे रोटियाँ बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। ये तंदूर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तंदूर लगा दिया गया है। लड़ाई भी देखें, लड़ाई भी ये देख सकते हैं। लड़ाई दिखा, लड़ाई ऐसे लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा मैं रोटियाँ दिखा दूँ, यहाँ पे तमाम नाजरीन को वेलकम बैक कहता हूँ। तो आज हम आए हुए थे हसन स्क्वायर में और यहाँ पे एक कैंप लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे और आज का व्लॉग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये व्लॉग लाजमी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।